कितना मुकाबला मानते हैं सुरजेवाला जी फरीदाबाद 89 में? मुकाबला काफी कड़ा है दोनों के बीच में। मैं कह दूं तलवार की धार पे पार्ट टू के लिए विपुल जी को टिकट मिल गया, विपुल गोयल को जी। कल भी मैं देख रहा था कृष्णपाल गुर्जर बड़ा हंसता हुआ नूरानी चेहरा के साथ इनके साथ खड़े थे। तो राजनीति में तो ऐसे ये कलाकार है लोग। अच्छा, उससे पहले मनोहर जी भी और कृष्ण जी भी दोनों इनकी घरवाली को नहीं पता चलता कि ये क्या है। दोनों साथ थे नामांकन कराने के लिए। अर्धांगनी भी नहीं समझ पाती पॉलिटिशियन को कि इनकी क्या अदाएं हैं और क्या अंदर है। आप बात कर नाजो अदाजो होती है जी। लखन सिंगला को टिकट है कांग्रेस का, पिछली बार भी था, हार गए पिछली बार चुनाव, अब की बात है टिकट मिल गया। लखन सिंगला के बारे में कुछ बताए ना, कृष्ण करण सिंह दलाल बड़ा कुछ बोलते थे लखन सिंगला के लिए। दोस्तों नमस्कार, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव यानी कि हरियाणा की सरकार चुनने का चुनाव 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता अपना ये चयन करेगी कि 5 साल के लिए उनके विधायक कौन होंगे और विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। लड़ाई अभी विधायकों की चल रही है विधायक बनाने की, और विधायक बनाने की लड़ाई के अंदर जनता के सामने कई मसले हैं, कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं, प्रत्याशियों को लेकर के कई बात होती हैं। हम आपसे लगातार चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, उस चुनाव को लेकर के हम आपको ये भी बताते हैं कौन नया चेहरा, कौन पुराना, किस चेहरे पर चेहरा, ये तमाम बातें होती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ फरीदाबाद की शहरी विधानसभा सीट फरीदाबाद 89। यहाँ पर जो प्रमुख कैंडिडेट है कांग्रेस से लखन सिंगला और भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल। चुनाव कैसा है, चुनाव में दोनों कैंडिडेट्स को लेकर के मतदाताओं में क्या है, कहीं कोई भ्रम, कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई असहजता, कुछ ऐसा तो नहीं है, चुनाव में माहौल किसका है, इन कुछ बातों को लेकर चर्चा में है और मौजूद है देवेंद्र सुरजेवाला जी। जी सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय से फरीदाबाद की राजनीति को भी बड़े पास से जानते, देखते और समझते रहे हैं। नौकरी का बड़ा लंबा टाइम सुरजेवाला जी फरीदाबाद में बीता जी। DDPO की पोस्ट पर मैं 1985 से यहाँ पे हूँ फरीदाबाद में जी। फरीदाबाद के बाशिंदे भी हैं। हाँ बाशिंदे, अब तो आप जींद के बाशिंदे के बजाय फरीदाबाद का बाशिंदा कह देंगे आप। अब तो हरियाणा सरकार ने 5 साल का डोमिसाइल के लिए, डोमिसाइल 5 साल कर दिया, पहले 15 साल था, पहले 15 साल था। तो मुझे तो 1985 से और लगा 85 से तो 15 साल हो गए, और 20 साल, 24 साल, 40 साल के आप तो बाशिंदे हो गए ज्यादा। हाँ 39-40 साल का जी, आपका डोमिसाइल पक्की हो गई बिल्कुल। नहीं पक्की का भी डबल, बच्चों की है, बच्चों की भी हो गई, बच्चों की सारी शिक्षा यहीं से है। और सुरजेवाला जी फरीदाबाद 89 का माहौल क्या है? देखिए फरीदाबाद एक आप शहरी, सारे शहर में घूमते हैं, सबका आपको ज्ञान रहता है, सबकी रुचि रखते हो। फरीदाबाद जो है वो शहरी क्षेत्र है जी, और मतदाता जो है यहाँ के तकरीबन या तो पेशेवर है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, या अपना कारोबार है, ज्यादातर लोगों का समझदार लोग है यहाँ पे, मान सकते हैं। एक गांव है इसके अंदर मुझे लगता है, सिंह नहीं, ये है इसमें कुछ इंदिरा कॉलोनी और भारत कॉलोनी, कुछ कॉलोनियां भी है, लेकिन ज्यादातर इस नाम से ज्यादा जाना जाता है फरीदाबाद ओल्ड के नाम से। हाँ जी हाँ जी। तो वैसे ठीक है, वहाँ पे शहरी क्षेत्र होने के नाते पार्टी का, भाजपा का भी प्रभाव रहे, और एक बार कांग्रेस का एमएलए रहे 2009 में जी आनंद कौशिक जी, 2014 में विपुल गोयल, तो 2019 में नरेंद्र गुप्ता, अच्छा प्रभाव है दोनों दलों का। अब रह जाती है बात के कैंडिडेट के ऊपर जी। 2014 में विपुल गोयल जो है यहाँ से विधायक चुने गए, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मंत्री बनूं। शुरू में नहीं लगता था, वो यहाँ के जो सांसद थे कृष्णपाल जी, कृष्णपाल वो केंद्र में मंत्री भी बन गए, आजकल भी सांसद हैं, आजकल मंत्री भी हैं, सेंटर मिनिस्टर भी हैं जी। तो कभी दोनों के दोस्ती बड़ी थी, और वो चुनाव उन्होंने साथ दिया और वो विधायक चुने गए। तो थोड़े दिन के बाद उनकी ख्वाहिश हुई कि मैं मंत्री बनूं, तो लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि, चूंकि यहाँ से ऑलरेडी जो है ना कोई मंत्री का वो नहीं था, तो लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया और यकायक मंत्री बन गए। वो मंत्री बने कैसे कि वो एक जो हमारे देवानी से वो थे घनश्याम सराफ, हाँ उनको मंत्री पद छुड़वा के और इनको मंत्री बनवाया गया। हाँ उनकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह थी, शिकायत जो भी था उनको हटा करके इनको मंत्री बनाया गया। पहले ये लगता था कि भाई मंत्री के लिए जैसा
जातीय समीकरण और हाँ, वो भी वैश्य अग्रवाल समाज से थे, ये भी वैश्य अग्रवाल समाज से रिप्रेजेंटेशन था, तो इसलिए लगता नहीं था कि किसी और को भी दिया जाए, क्योंकि पद जो है ना बड़े लिमिटेड है। ठीक बात है, बिल्कुल संख्या जब से 15% वाला चल गया वही उसी के तहत तो उनको रिक्त करवाया गया, तब इनका नंबर आया और ये इन्होंने पद। कुछ दिनों के बाद इनके अंदर लालसा जागी कि मैं मंत्री बन सकता हूँ, तो क्यों ना मैं मुख्यमंत्री बनूं। जी तो सीएम, हाँ सीएम बनने की जो इच्छा इनके अंदर इतनी प्रबल हुई कि धीरे धीरे इन्होंने अपना लॉबिंग शुरू कर दी, रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। और उससे जो एक और भी हुआ, फरीदाबाद में पहले एक दुकान थी, फिर वो दूसरी दुकान इनके नाम से खुल गई। दुकान मतलब लोगों को काम करवाने, मंदिर कह देते हैं, मंदिर मंदिर नहीं, नहीं मंदिर नहीं, में तो मंदिर नहीं, मंदिर नहीं कहेंगे बिल्कुल। अच्छा। भी मंदिर में तो एक बड़ी पवित्र है, पवित्रता है। ये बात मान ली, दुकान कहिएगा, दुकान और दुकान खुल गई और उस दुकान के अंदर ग्राहक भी जाने शुरू। पहली दुकान की प्रोप्राइटरशिप किसकी थी वो तो आप समझते हैं, सारा शहर समझता है, जो इनके आका थे। तो उनको भी इस बात की तकलीफ शुरू होनी शुरू हो गई, भाई देखिए आप अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका एक एक अधिकार है। मैं ये कह दूंगा अगर एक ही अगर कंपनी हो, हाँ वही कह रहा हूं, उसका एक उसकी फ्रेंचाइजी किसी के पास हो, हाँ तो दूसरी फ्रेंचाइजी आ जाए तो ग्राहक टूटे और ग्राहक दूसरे तरफ जाए तो उसको नेचुरल है। बड़ा अच्छा डिफाइन कर रहे हो, क्यों तो वो तकलीफ उनको शुरू होनी शुरू हो गई और उधर वो कानाफूसी भी हुई। और राजनीति में कान बड़े कच्चे होते हैं नेताओं के। ठीक बात है, बिल्कुल। ये तो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब को भी इस बात का पहुंचने लगा कि ये तो ख्वाहिश रखते हैं मेरी कुर्सी खींच सकते हैं मुख्यमंत्री बनने की। नरवीर और विपुल गोयल, हाँ बड़ी जबरदस्त जोड़ी थी इन दोनों की। नहीं उसमें 17-18 थे, हाँ मतलब एक बार तो मूलचंद शर्मा जी, हाँ 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 बिल्कुल, मूलचंद चौकड़ी के उस जो 12-14-18 आदमी थे उनमें एक ये भी थे, हाँ। और बल्कि वो कृष्णपाल जी की कोठी में दो बार इनकी मीटिंग हुई, रामविलास शर्मा और ये भी। अच्छा, हाँ वो भी हुआ अंदर की, लेकिन वो निकल गए उससे, वो बाहर निकल गए उन्होंने अपने, कृष्णपाल जी हाँ उन्होंने अपना ठीक रवैया रखा। तो अब ये जब इस तरह का इनका वो रवैया रहा विपुल गोयल का, तो मुख्यमंत्री के कान खड़े हुए, उन्होंने कहा ये तो उन्होंने फिर बड़ी चतुराई से 2019 का जो टिकट था उसमें इनका बदला लिया। और टिकट तो यूं कटा कि लोकसभा का टिकट चाह रहे थे सांसद बनने के लिए पहले। मैंने बताया ना कि जो आका थे वो भी नाराज हुए और मुख्यमंत्री भी नाराज हुए, अब दोनों मिल गए, पत्ता कट गया। तो पत्ता कटना तो स्वाभाविक था और वो उसका खामियाजा ये हुआ कि टिकट से वंचित हुए और फिर इन्होंने पीछे तो इधर जाऊं या उधर जाऊं, मतलब मनोहर जी भी नाराज थे और कृष्ण जी भी नाराज थे, दोनों तो, के नाम जो ऐसे हैं आध्यात्मिक वाले मनोहर के, अब तो दोनों साथ हैं तो नहीं। अब वो मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद विपुल जी का रवैया ये रहा कि इधर जाऊं या उधर जाऊं किधर जाऊं, चलता रहा, कभी कांग्रेस में ज्वाइन करने की बातें आई, कभी कुछ आया, कह रहे नहीं हाओ वो उस वक्त टिके रहे वहीं, वो हाँ वो बने रहे। और शायद लोग ये भी कहते थे कि उनके कुछ मसले थे पिछले, बिजनेसमैन है और सरकार का, अब सभी को ईडी का, बिजनेसमैन को सरकार का बड़ा वो होता है कि सरकार में रह रहे ईडी का। देखिए ये 2014 के बाद जो एक ईडी का हंटर है ना, उससे तो बड़े बड़े सर्कस में जैसे शेर काबू कर लेते काबू कर ले, तो ये तो एक छोटे वो है तो वो टिके रहे। और अब चूंकि नरेंद्र गुप्ता जी का भी पिछले दिनों कुछ ऐसा रहा कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब के साथ उनका सुनते थे कि भाई उनकी ज़्यादा बातें नहीं मानते, अंदर से वो खफा हैं, तो उनकी टिकट बदली जाएगी, हो गया। तो लास्टली इनको विपुल गोयल महारत हासिल रखते हैं, वो टिकट उन्होंने हासिल कर लिया और इस वक्त वो मैदान में है, भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। हाँ इतना जरूर है कि विपुल गोयल जो है वो जो चुनाव लड़ते हैं या राजनीति करते हैं, उनकी बड़ी जो राजनीति है ना वो इस किस्म की है कि दिखावा, ड्रामेबाजी। और शार्प नेता भी हैं, है जी शार्प नेता भी हैं। शार्प नहीं तो आप उसको यही कहिए, दिखावे की जो है ना वो तो राजनीति में हो गया आजकल, दिखावा नहीं हो गया लेकिन कुछ देखिए राजनीति का ये रूप नहीं था, आप बना कितनी ले जाइए इसको,
वो अलग बात है, जो आपने एक बार पहले भी कहा था, वो राजनीति राज के लिए नीति निर्धारित होती, अब नीति वो होता था नीति का राज, राज कैसे आए, वो होता था नीति का राज यानी कि राजनीति, जो नीति से राज चले, और अब है ऐसी नीति जिससे राज आ जाए, राज हासिल हो, राज मिल जाए। तो ये कुछ ड्रामेबाजी और इस तरह का, और इस तरह का वो ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उस तरह से लुभावना, लोभ, लालच लोगों को, और ये वो उस तरह की राजनीति में ज्यादा विश्वास रखते। जो भी हम बात कर रहे थे जी, कृष्ण और मनोहर वाली जी, अब जब पार्ट टू के लिए विपुल जी को टिकट मिल गया, विपुल गोयल को जी, तो कल भी मैं देख रहा था कृष्णपाल गुर्जर बड़ा हंसता हुआ नूरानी चेहरा के साथ इनके साथ खड़े थे। वो तो राजनीति में तो ऐसे ये कलाकार हैं लोग। अच्छा, उससे पहले मनोहर जी भी और कृष्ण जी भी, दोनों इनकी घरवाली को नहीं पता चलता कि ये क्या है, दोनों साथ थे नामांकन कराने के लिए, अर्धांगनी भी नहीं समझ पाती पॉलिटिशियन को कि भी इनकी क्या अदाएं हैं और क्या अंदर है। आप बात कर नाजो अदाजो होते हैं, जो बाहर हंसते हैं तो अंदर पता नहीं कितना वो खुंद खाते हो, ये इसे आप आंक नहीं सकते। अच्छा जी, तो मैं वही कह रहा था, आप जो नॉमिनेशन में भी साथ थे कृष्ण विपुल, कृष्ण भी और मनोहर जी भी दोनों जी, वो तो दिखावे के तौर पर तो आएंगे ही, सब कुछ रहेंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा ना। जो जनता में आवाज है वो तो सब ठीक नहीं है, मैंने बताया ना कि एक उनके जो वर्कर, जो उनके सहयोगी साथी होते हैं ना, वहां से पकड़ लीजिएगा। अच्छा, विपुल में दोबारा आते हैं, दोनों कैंडिडेट की चर्चा साथ साथ कर लें, समानांतर कर लें। इधर है लखना, लखना सेठ लखन सिंगला जी, लखन सिंगला को टिकट है कांग्रेस का, पिछली बार भी था, हार गए पिछली बार चुनाव, अब की बार फिर टिकट मिल गया जी। जी, लखन सिंगला के बारे में कुछ बताएं ना, कृष्ण करण सिंह दलाल बड़ा कुछ बोलते थे लखन सिंगला के लिए जी, बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या इनको महिमा मंडित करके गए थे यहाँ पर जब रहते थे। वो यही कहते थे साफ साफ शब्दों में कि भाई ये अंदर खाने से, चूंकि विपुल उधर है तो ये कृष्णपाल के वो सहयोगी हैं, उनके बिजनेस में पार्टनर है, कॉलोनी काटने में उनकी हिस्सेदारी है, तो इस तरह के वो सरेआम इस बात के लिए वो बातें वो करते थे, और ये वो आम लोग भी करते रहे इस बात के लिए। खाली करण दलाल ही नहीं कहते थे, ये तो यहाँ के बहुत से लोग, जनता ही ये कहती रही है जी कि वे वो वक्त बे वक्त उनका साथ देते हैं। ये राजनीति का बड़ा विकृत स्वरूप नहीं है ये वाला, अब ज्यादा हो गया। जिस दल में हम हैं उस दल को दलदल में डाल करके और दूसरे दल का मदद करना या ये सब करना, ये अलग टाइप की राजनीति बिल्कुल हो गई और बढ़ती जा रही है। तो जब लोग तो राजनीति में जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, नहीं जो कहते हैं ना दूषित वातावरण, तभी तो ये दूषित वातावरण होता जा रहा है, हो रहा है। तो लखन सिंगला के लिए कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हनुमान। हनुमान तो नहीं है बट ये, अच्छा वैसे मैं आज तक एक चीज नहीं समझ पाया, कई नेताओं का मैं सुनता हूँ वो नेता के हनुमान, तो वो नेता राम है क्या, वो नेता राम है क्या? पहली बात तो राम नहीं है, अरे ये हनुमान नहीं है जी, ये तो परिभाषा ही गलत है। और फिर ये कैसे हनुमान है, उनके किस काम और वो कौन सा, उनको किस संकट में से उनको उभारा हो? हनुमान जी ने तो राम को बार बार संकट मोचक हनुमान जी थे, संकट मोचक नहीं उभारा है जी। लोग तो यहाँ तक कहते हैं अगर हनुमान नहीं होते तो राम जी को वो बात नहीं। हाँ, चाहे वो लक्ष्मण जी वाला के इशू हो, चाहे सीता जी का पता लेके आने का हो, तो तमाम जो है संकट मोचक हनुमान जी थे, जो भक्ति और कई चीजें थी। तो वो जो वो कहते हैं कई, मैं देखता हूँ इसको भक्ति ना, बड़ा सीधा सीधा कह जाता है एकदम सीधा। कई मैं अखबार नवीसों को देखता हूँ वो लिख देते हैं कि वो हुड्डा जी के हनुमान है। हनुमान नहीं, मैं नहीं मानता, हनुमान की तुलना करना तो घोर अपमान है। हनुमान जी का एक दर्जा है, वो एक हमें सीख मिलती है भक्ति की, सच्चाई की, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की, बलिदान की। त्याग और कौन सी क्या है यहाँ, तो एकदम विपरीत। ये तो ठीक है अपने आप जुड़ गए हैं और क्या पता कल हुड्डा साहब ना रहे, राजनीति से संन्यास ले ले, तो क्या ये साथ ही हनुमान जी चले जाएंगे? हाँ, ये तो कोई और राम ढूंढेंगे, कोई और ढूंढ लेंगे। चलिए, मैं कह रहा था आपसे सुरजेवाला जी, फरीदाबाद 89 को अगर नहीं तो मुकाबला दोनों में है जी। हाँ, जनता के लिए क्या स्थिति है? जनता काफी दुविधा में है, इसीलिए कहते हैं वहाँ मुकाबला है कि किसको चुने। हाँ, दोनों के बीच ये दुविधा है बनी हुई कि किसको चुने जनता।
अच्छा कुछ नजर नहीं आता, इधर इसलिए मुकाबला है, उधर जाऊं किधर जाऊं, वही जनता के लिए या समुद्र में समा जाऊं। तो मतलब फरीदाबाद के लिए आप इतना तक कह दिया कि जो दोनों कैंडिडेट्स तो हैं ही। हाँ है, लेकिन अब देखो अभी जनता आखिर में छोटी बुराई को चुनेगी बड़ी बुराई को चुने। क्या आप दोनों को बुराई मानते हैं? भाई राजनीति में जो आप इस तरह की चीजें डालोगे तो नेचुरली वो बुराई है, पर बुराई किस चीज को कहेंगे आप? बुराई कोई चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें बुराई में शामिल होती हैं, या इस तरह के आडंबर भ्रम में डालना, आडंबर रचना, और जनता के साथ इस तरह के हरकत करना, तो वो बुराई है और क्या है। कितना मुकाबला मानते हैं सुरजेवाला जी फरीदाबाद 89 में? मुकाबला काफी कड़ा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में मैं कह दूं तलवार की धार पे। हाँ है, इस वक्त कहना मुश्किल है। और वैसे ठीक है कि विपुल गोयल के बारे में कहा जाता है एक मैनेजमेंट कर लेते हैं। हाँ, एक चीज है कि भी लोगों के अंदर ये भरम है कि वो चुनाव तो जीत जाएंगे। लखन सिंगला के करीबी लोग मुझे कहा करते थे सुरजेवाला जी चुनाव अभी तक तब टिकट वितरण का काम शुरू होना था जी, तो वो कहते थे कि अगर विपुल गोयल हुए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो तो जानबूझ के भी कहा जाता है, वो तो जानबूझ के भी कहा जाता है कि जैसे जैसे धनेश अदलखा वहाँ पर मनोहर लाल जी और कृष्ण पाल जी के दुलारे, ऐसे अजय गौड़ यहाँ पर थे कृष्ण पाल और मनोहर लाल के दुलारे। बिल्कुल थे, तो वो और भी खतरनाक होता, वो और भी खतरनाक और खतरनाक होता। तो भी लोगों को, जैसे लोगों को यहाँ मैं कहूँ कि किस तरह से उनको तंग किया गया और एक किस्म से। चलिए चलिए, तो मान लें कि अब ओल्ड फरीदाबाद जी, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, और फरीदाबाद 89 को मान लें कि सख्त मुकाबला। देखिए पहले ये था कि विपुल गोयल आसानी से सीट निकाल लेंगे, ऐसा लोगों में चर्चा नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे एक तो कांग्रेस की हवा है कांग्रेस की हवा क्या लोगों में ये है कि भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे फरीदाबाद जैसे एरिया में, गुड़गांव एरिया में मुझे कांग्रेस की हवा लगती नहीं खास कोई। देखिए चुनाव के अंदर इस वक्त ये है कि पिछले जो शासन रहा है उससे तरस्त और ग्रस्त होकर के लोगों ने एक मन बना लिया, एंटी इनक्यूमेंसी जिसको कहते हैं, कि उनसे छुटकारा पाना है। तो जनता का मन जो है ना वो ये है, उसको हवा कहिए ठीक बात, या उनको आप उनकी हवा निकालना कहिए ठीक बात है, कांग्रेस के पक्ष में हवा कहिए या सत्तारूढ़ दल की हवा को निकालने की बात। तो हम इसका यही तोड़ कर दें कि फाइट और दोनों की हवा टाइट बनती जा रही है। यस, बनती जा रही है फरीदाबाद 89 में कड़ी फाइट जी, और दोनों विपुल लखना दोनों की हवा टाइट जी। तो ये था फरीदाबाद 89 को लेकर के एक छोटा सा मंथन। आपके बीच हम लगातार आ रहे हैं, हमारे साथी भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, आपसे भी जानेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि आखिर माहौल क्या है, मतदाता चाहता क्या है। लेकिन फरीदाबाद 89 को लेकर के हम भी इस बात से कुछ सहमत जरूर हैं, और शायद आप भी हमारी बात से सहमत होंगे कि वह चुनावी मुकाबला धीरे धीरे कड़ा होता जा रहा है। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।